उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश में 71वें गणतंत्र दिवस की धूम है। एक बार फिर पूरी दुनिया ने राजपथ से हिंदुस्तान की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन देखा। क्या खास है इस परेड में, पिछले साल से कैसे अलग रहा यह समारोह, देखिए इसकी झलक। 26 जनवरी एक ऐसा त्योहार है जो किसी जाति, धर्म या क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसे पूरा हिंदुस्तान मिलकर मनाता है। इस त्योहार पर भारत की एकता और अखंडता की एक मिसाल दिखती है। और हर साल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर दुनिया हिंदुस्तान की ताकत देखती है। बता दें कि हर बार किसी न किसी देश के प्रतिनिधि हमारे मुख्य अतिथि बनकर आते हैं। वहीं इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने शिरकत की। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। इससे पहले 1996 और 2004 में ब्राजील के राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर चुके हैं। इस राष्ट्रीय त्योहार की खुशी और जोश देखते ही बनता है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस का समारोह कुछ अलग रहा। दरअसल इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल तैयार नेशनल वॉर ऑफ मेमोरियल जाकर जवानों को श्रद्धांजलि दी। नेशनल वॉर ऑफ मेमोरियल में अब तक हुए युद्ध में देश के नाम पर जान न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों के नाम लिखे हुए हैं। यह पहला मौका है जब शहीदों को श्रद्धांजलि अमर जवान ज्योति के बजाय नेशनल वॉर ऑफ मेमोरियल में दी गई। जाहिर है 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा शुरू की थी, जो पिछले साल तक चली आ रही थी। अमर जवान ज्योति 1971 में हुए पाकिस्तान से युद्ध में शहीद जवानों के लिए तैयार की गई थी। वहीं इसके बाद हर साल की तरह देश के जवानों ने अपने कर्तव्य दिखाए और भारतीय सैन्य ताकत का नजारा देखने को मिला, जहां राजपथ पर भारतीय सेना का T-19 ग्रीन टैंक को पेश किया गया। इस टैंक के कमांडर रहे कैप्टन सन्नी चहल। इसके अलावा K-9 वज्र टी टैंक की भी नुमाइश की गई। 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर शक्तिशाली, मजबूत और बुलंद भारत की विहंगम दृश्य दिखाई दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजपथ पर तिरंगा फहराया और सेना ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी। राजपथ पर चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों की गरज से लोग रोमांचित हो उठे। वहीं कई राज्यों की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। बाइक पर सेना के जवानों और वीरांगनाओं के डेयर डेविल एक्ट से सभी लोग हैरान रह गए। वैसे तो हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में धूम होती थी, लेकिन इस बार के गणतंत्र दिवस पर पूरे दुनिया की नजर थी। उसका कारण था देश के अंदर चल रहे सरकारी फैसलों के प्रति लोगों का विरोध। लेकिन देश की खूबसूरती ये रही कि सरकार से सहमति और असहमति से परे होकर हर हिंदुस्तानी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दुनिया में मिसाल पेश की कि सरकार से भले ही असहमति हो सकती है, लेकिन जब बात देश की आती है तो हर हिंदुस्तानी कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।